हरिपुर गाँव में जो झड़ आसा बहुत साहसर सहित वैभव शांत करमि ना कि वैभवर भल पाइबार सी तो निर्मला को ही निजर जीवन मानि सारी तार मृत्यु पर जितेबले जना पड़ा कि तार आत्मा वैभवितला तो भैरव से ही सब विद्या शिखा चेष्टा करूला जहाद्वारा से निर्मला सहित पुणी कथबार्ता हो पार किंतु गाँ लोके भूल बुझी चाली देवा को चेष्टा करथिले से झड़ जहाँ वैभव स्थित करन्यायर प्रतिशोध देवा चाहूला किंतु वैभव वैभवर अंतकरण ताक अनुमति देन वैभव जहाँ तू कलु बहुत साहस दरकार तू गाँ लोक विषय भावि जहाँ कलु भल कलु गुरुजी किंतु मो निर्मला से तो भावुवे मुझे सहित छलना कर हाँ यहाँ तो सत निर्मला एत दिन एमती रही दुष्ट आत्मा ही सारी प्रतिशोध व्यतीत किसी देखा जाऊनी किंतु एबे ताकु तू आयतरे रखिपारू हाँ गुरुजी किंतु जदि का मो शक्ति कम हो जाए मो अच्छी ना वैभव यथाशक्ति आम गाँ लोक बचेवाई चेष्टा करवा साधु पुणी थे निज तपस्या लीन हो वैभव निज घर को जाई निर्मला विषय भावि कांदा को लगला गाँ लोके निज झी मान घर को आसिले एवं गाँ समेत सब घर झील मैंने ठीक हो जाते शुण ना बाहर चार दिन हो गला पूरा जीवन तो गाँव में ही रहीबार अच्छी तो चल एवं कौट बुलिक आसी फसल कटा हे आते बुलवार अच्छे तो एमती बेले बाहा कहीं जदि बुले पारन तो आरती मुह फुल बस सगर ताक देखे कि अच्छा ठीक अच्छे मो माँ बापा सहित कथा हो घर लोक परमिशन नहीं से माने टैक्सी रे बाहरी गले किंतु अल्प बाट गलापर ही गाड़ी ओलटी पड़ा आर मृत्यु हो गला रोड साइड रे खेत फसल काटुला आसब देखुला धीरे धीरे एकाठी होगा अरे से कौन कहते हनीमून से ठीक तो जाऊले आसीगला से पुणी थे अरे कौन कौच हरिया किए आसीगला हरिया पगल हो गला सेमती कह स्त्री लोकटी निज स्वामी खाइबानी क्षेत्र को जाऊला निज स्वामी को देख आसीगल तु मुझे जब सका क्षेत्र को आसे तेब तोर अपेक्षार ही मुझे अच्छा से छोट घरे समय ही मिल ना ते मन भरी देखापी मसे पूर्व जिते बाहर है खावा तुम्हें माँ बेले बेले नहीं आसुले ना हाथ में पठे दे के तो भोकिला भी रहा पड़ूला या पर तुमको आगे भोग कर रहा पड़वानी आखपाख क्षेत काम करुवा लोके आसीगले आता करने को लगे आरे बिचरा मान हाए मसे बाहर को अरे कल रात मो पड़ोसी विमला मौसी पुओ बहू भी मरीगले केमी पु को इलेक्ट्रिक सक लगे आहू बचा को गला तो सी भी मरीगला दंपति बचे समस्ते मरीज गोटे पर गोटे मुझे शीघ्र किसी कर ना से समस्त को मारिदब समस्ते मरीबे
ସେ ଭୟଭୀତ ମନରେ ହରିଆକୁ ଦେଖିଲେ। ତୁ କାହା କଥା ହଉଛୁ? ସିଏ ଯିଏ ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜେ କବ୍ଜା କରି ନେଉଥିଲା। ଏ ହରିଆ, ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି କହିତୁ ଆଉ ଡରା। ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ମରିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବା? ସେ କୌଣସି ଦମ୍ପତିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବନି। ଗୋଟିଏ ଆଗରେ ନିବେଶ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ପଟକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଛାଇଟିଏ। ସେମାନେ ଭୟରେ ସାଧୁଙ୍କ କୁଟୀର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ସାଧୁ ଜଣକ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ବଢ଼ାବା ସାଧୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ କଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବାବା, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି। କିଏ? ସେଇ ନିର୍ମଳା ଯିଏ ଗତ ଥର ଗାଁର ଝିଅମାନଙ୍କ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲା। ବାବା, ଝିଅଟି ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ମରିଗଲେଣି। ହରିଆ କହିଛି କି ସବୁ ଦମ୍ପତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମରିଯିବେ। ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ବୈଭବ, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ଏଠି ଡାକିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ହଁ ଗୁରୁଜୀ। ବୈଭବ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲା, ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲା, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଉପରେ ତୁ ଛଳନାକାରୀ, ତୁ ମୋ ସହ ଛଳନା କଲୁ। ତୁ ମୋର ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ଏବେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛି, ତତେ ବି ମୋ ବାହାଘର ହେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ କୌଣସି ଦମ୍ପତିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି। ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ତୋ ସହ ରହିବାକୁ ଦେଲେନି। ଗତଥର ମୁଁ ଯେବେ ଅନ୍ୟର ଶରୀରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତୋ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ସହ ଛଳ କଲୁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଛଳ ନ କର, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଦେଖ ନିର୍ମଳା, ଏବେ ତୋର ଆଉ ମୋର ମିଳନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତୁ ଚାଲିଯାଇଛୁ। ମୁଁ ପୁରା ଗାଁକୁ ହିଁ ମାରିଦେବି, ନହେଲେ ତତେ ମୋ ସହିତ ନେଇକି ଯିବି। ସତରେ ବୈଭବକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଏଠୁ? ହଁ, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏସବୁ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ମୋ ସହ ଛଳନା କଲା। ବୈଭବ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତତେ ଛଳନା କରିଥିଲା, ସେ ଏମିତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୈଭବକୁ ଏବେ ମୋ ସହିତ ହିଁ ନେଇକି ଯିବି, ନହେଲେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ମରିବେ। ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ଯା, ମୋ ବୈଭବକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ଜଣେ ବି ଲୋକକୁ ମାରିବୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବି, ଆଉ ବୈଭବକୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାବା, ମୋତେ ସତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରହ, ମୋତେ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ଏଇଥିରେ ଗାଁର ଭଲ ହବ ତ ଚାଲିଯା ବୈଭବ, ନହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦମ୍ପତି ମରୁଥିବେ। ତୁମେମାନେ ବି ତ ନିରୀହ ପ୍ରେମୀ ଯୁବଳକୁ ଚଳେଇକି ମାରିଦେଇଥିଲ। ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବା, ଆଉ କେବେ କରିବୁନି ଆମେ ଏମିତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଥାଏ। ଅଛି ବାବା, ଯଦି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏଥିରେ ଭଲ ହବ ତ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ନିର୍ମଳା ଏବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଶୁଣ, ସେ ଯେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବ ତ ତାକୁ କଥାରେ ଫସେଇ ଦେବୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାରେ ପାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଏକତ୍ରିତ ଥିଲେ, ସାଧୁ ଆଉ ବୈଭବ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ
देख मु गाँ लोक तो सहित जी राजी अच्छे कि तत भी गोटे कथ मानवाक पड़े एवं तू आ गाँ को केवे भी फेरिकी आसबुन ठीक अच्छे आई वैभव शरीर में पशा चेष्टा कला सब लोग परस्पर सहित आस्पर झगड़ा रह कहीं गाँ लोक परस्पर सहित झगड़ा कर बाबा मत जा पड़े मो निर्मला सहित याठ बेस अन्याय होगाकूपर जमा भरसा ना इबे तो एक कुंड भीतर को जा वैभव मते क्षमा करिले इबे ये मो नियंत्रण रु बाहर हो छि किछि कथा नै बाबू मते भी निर्मला को भलो पाइबार गुटी सुजुग मिले छि आपण गाँव लोक को ऊपर निजर कृपा दृष्टि रखि दिबे वैभव छिड़ा आ यज्ञ कुंड भीतर की जा आ धीरे धीरे वो अदृश्य हो गेलो गाँ लोके साधु को प्रणाम करी वैभवर गुणगान करी सेठारु चली गले सहर ठारु बहु दूर रे गोटिए गाँ थिला जेउठी बेसी किछि लोक रहु नथिले से गाँर अवस्था बहुत खराब थिला ना भल भावरे वर्षा हेउथिला ना खेतरे भल फसल हेउथिला सेई गाँरे गोटिए काली नामक झियो रहुथिला एमिति तो ता ना कलावती थिला किंतु तार श्यामल रंग कारणरु गाँ लोके ताकू काली नारे थट्टा करुथिले गाँ लोके गाँर खराब अवस्थार कारण काली को ही भावुथिले कारण जेबेठु कलावती जन्म होइथिला सेबेठु गाँर अवस्था हठात बिगिड़ी जाइथिला कलावती एथिपाई बहुत रागुथिला से गाँ लोकंकु एई कथा पाई बहुत थर मना करिथिला किंतु गाँ लोके ता कथा सुणु नथिले सबुदिन पी कलावती मंदिर पाई कही घर बाहरी गला बहुत राति होगला परे भी से न आसिबारु ता घर लोके बहुत चिंता रे पड़ी गले केही ता माँ बापा को कहिला कि कलावती बहुत दिन रु किछि चिंता रे थिला बोधे से किछि करि देइनी तो आउ केही कहिला मंदिर रास्ता रे गोटिए गभीर को अछि बोधे काली सेठीरे दे ए सब तुमे कौन कथा कहुचो आमो सहाय्य न करी तुमे आमो को ही डरौचो कलावती तुम मानंग पई ही चिंता रे थिला तुमे माने सब बेले ताकू काली काली कही थटा करथुला जदी ताकू किछि हेई गला तुमे माने ही तार दाई हेबो चालो भाई माने समस्ते मिसी काली को खोजिबा मो माने की कलावती को खोजिबा सबु लोके कलावती को पूरा गाँव रे आउता आखपाख अंचल रे खोजिबा को आरंभ कले मने मने तो समस्ते खुशी थिले कि भलो हेला जे गाँव रु से गला किंतु बाहरे देखे होतिले कि से माने भी चिंता रे अछंती कलावती को खोजी खोजी पूरा राती बीती गला किंतु ता खबर काहा को भी मिललानी भाई तते कोन लागुछि काली कुआडे जाइथिबो अरे रातिर अंधार रे काली को खोजिले मिलिब ता परदिन सकाळु सबु गाँ लोके पूणी एकाठी हे कलावती न मिलिबार दुख जणै निज निज घर को चली गले कलावती हजिबार दुख ता माँ बापांक छड़ा आउ काहाकु मध्य नथिला अरे भलो हेला एबे आम गाँरु काली रो कला छाई उठी गला एबे देखिबो आम गाँर उन्नति ता परदिन ही गाँ को गोटे बड़ साहूकार आसला से गाँव में गोटे बड़ मिल खोलिवार प्रस्ताव गाँ लोक देला मिले काम करने मनईनेला सबु गाँ लोके खुशी मनरे राजी हो गले आपटे कलावती माँ बापा झी न मिलवर बहुत चिंतार थिले साहूकार मिलर काम गोटे भंगा ददरा घर में मरामती करि आरंभ करिदेला मरामती सरला मिल आरंभ हो गला
ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦିନ ରାତି ମିଲ୍ରେ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାହୁକାର ମିଲ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ମିଲ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମିଲ୍ରେ ବିଜୁଳି ଚାଲିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ବିଜୁଳିକୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଜି ଯାଏଁ ତ କେବେ ଯାଇନି, ଦେଖିଲ କୋଉଠି ତାର ଫାର ଜଳି ଯାଇନି ତ ଦେଖିଲ। ସେତେବେଳେ କାହାରି ହସିବାର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। କିଛି ତାର ଜଳିନି, ଏଇ ଅନ୍ଧାର ତ ମୁଁ ହିଁ କରିଛି ତୁମକୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ। ତୁ କିଏ? ତୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଡରଉଛୁ? ତୁ ଆମଠୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଭୂତ ନାମୁ ପିସାଚ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ତୁ ବହୁତ କ'ଣ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ଚାଲ ତୋଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ନା ନା ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେ, ଆମକୁ ଯିବାକୁ ଦେ, ଆମେ ତୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିଛୁ? ତୁମେମାନେ ମୋର କ'ଣ ଖରାପ କରିବ? ଖରାପ ତ ମୁଁ କରିବାକୁ ଆସିଛି ତୁମର। ତୁମକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତ ମୋ କଥା ମାନିବାକୁ ହେବ। କାଲିଠୁ ତୁମେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ଏହି ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କହିବ ତ ଭାବି ନେବ ତାକୁ କୋଇଲାରେ ପକେଇ ଚଳେଇ ଦେବି। ନାମୁ ଭୂତ ନାମୁ ପିସାଜ, ମୁଁ ହେଲି ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ। ନା ନା, ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ ଯେମିତି ତୁ କହିବୁ। ତା ପରଦିନ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଲୋକ ନିଜ ଦେହରେ କୋଇଲା ଲଗାଉଥିଲା ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲା, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? କୋଇଲା କାହିଁ ଲଗାଉଛ? ଲୋକ ତ ପାଉଡର ଲଗାନ୍ତି ଆଉ ତୁମେ କୋଇଲା ଲଗାଉଛ। ତୁ ଚୁପ୍ ରହ, ଯାହା ମୁଁ କରୁଛି କରିବାକୁ ଦେ। ଏତିକି କହି ଗାଁ ଲୋକଟି ମିଲ୍ ଆଡ଼କୁ ବାହାରିଗଲା ତ ତାକୁ ଦେଖି ଗାଁର ଛୁଆ ବୁଢ଼ା ଆଉ ମହିଳା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ କଲୁ, ଏ କଳା ଲଗେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଲୋକ ତ ଖାଲି ମୁହଁ କଳା କରନ୍ତି, ଏ ତ ପୁରା କଳା ହେଇଯାଇଛି। ଗାଁ ଲୋକଟି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ଆଖି ତଳକୁ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଦୁଇଟି ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଶରୀରରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୋକେ ହସିଲେ ଆଉ ଥଟ୍ଟା ବି କଲେ। ପରଦିନ ତୃତୀୟ ଶ୍ରମିକଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଲ୍ରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲା। ବାଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗାଁର ଶ୍ରମିକ ନିଜ ଦେହରେ କୋଇଲା ଲଗେଇ ମିଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସହରରୁ ସାହୁକାର ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କ'ଣ? ଏସବୁ ମୋ ପଛରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ମୋ ମିଲ୍ର କପଡ଼ା ଖରାପ କରିବ ନା କ'ଣ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇ ଦେବି। ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ସାହୁକାରର ଭୟରେ ନିଜର ପୁରା କାହାଣୀ ତାକୁ କହିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ, କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ? କ'ଣ କହେ ତୁମର ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ? ନା ମୁଁ ପିସାଚ, ନା ମୁଁ ଭୂତ, ମୁଁ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସାପ। ଏଇଆ ଶୁଣି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକେ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଡରି ଡରି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣା? ମୁଁ ହିଁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ସାପ, ମୁଁ ହିଁ ସାହୁକାରର ରୂପ ଧରି ତୁମକୁ ସବୁ କାମ ଦେଲି, ଏ ସବୁ ଖେଳ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଅପରାଧ କଲୁ ଯେ ତୁ ଆମକୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଲୁ? ତୁମେ ନିଜ ଦୋଷ କଥା ପଚାରୁଛ? କୁହ ଏବେ, କଳାବତୀ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲା? କଳାବତୀ କଳାବତୀ କଳାବତୀ, ମୁଁ ହିଁ କଳାବତୀ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କାଳି କଳା କହି କହି ବଞ୍ଚିବା ଅସାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲ, ସେଇ କଳାବତୀ ମୁଁ। ସାପର ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସାପ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି କେମିତି ତାଙ୍କ କଟୁ କଥାରୁ
केमिति से सबुबेले दुखी आउ निराश रहुथिला। से गाँ लोकंकु कहिला जे से भगवान शिवंकर बहुत बड़ भक्त थिला। से निज निराशा को नीति गाँरु किछि दूररे थिबा शिव मंदिर को जाई भगवान शिवंकु कहुथिला, हे प्रभु, ये तुम्हे मते की प्रकार जीवन देइछ, सबु दिन लोकंक कथा सुनुछि मु, काहे कि तुम्हे मते हिमिति कल के भी मो ढाक सुनिबो, कौन के भी मो रूप बदलिबो, जदि तुम्हे मो ढाक न सुनिलो तो एई नाग परि तुम बेकरे गुडे हि मो प्राण देइ देबी। मो आशा ही न हेई सबुदिन भगवान शिवंकु एई प्रार्थना करुथिली, दिने से मोर डाक सुनी मते आशीर्वाद टिए देले। कलावती, तो निराशार कारण तो रूप नुहे, लोकंकर चिंताधारा। लोकंकर चिंताधारा तांको कर्म हिसाब रे लेखा जीवो। लोके तते एई रूप पाई कथा कहउचंती ना, मु तते आशीर्वाद दउछि कि तू जेबे चाहिबु तेबे तो रूप बदली पारिबु। तते इच्छाधारी सापर आशीर्वाद दउछि। एई सबु कथा कही साप कलावतीर रूप धारण करी निज घर आड़कु जीवाकु लागिला। आमको क्षमा करी दे कलावती, आमे किछि दिनरे गाँ लोकंक कथारे दुखित होइगलु, आ तते तो आमे वर्ष वर्ष धरि हैरान करिछु, आमको क्षमा करी दे। केबे भी कहाकु भाबिबनि नीच आउ तुच्छ, नहेले फेरि आसिब अभिशप्त साप। राजस्थानर हाईवे पाखरे थिबा गोटिए सहर, कहंती सेठारु आजि पर्यंत केही लोक जीवित फेरि नाहंती। भाई, बुली जीवार प्लान करिबा, चलो राजस्थान जीवा। चलो ताले बेक पे करिबा, काली सकाळे बाहरिबा। बिकी, तो भाई आसुचि के? अरे मु आसी पारिबेनि, मु गोटिए थेसिस रे काम करुचि, तुमे माने जाओ। तीन जन सांग राहुल रो कार रे सकाळु सकाळु बाहरि पड़िले। ओडिशारु राजस्थान रास्ता बहुत लंबा थिला, पहुंचिला बेळकु राती हे जायथिला। सेतिकी बेळे हठात हाईवे रु तांको गाड़ी रास्तारु मिस बैलेंस हई तळकु पळैला, कार बंद हे गला। कौन करुछु करण, समस्तंकु मारिबु ना कौन? भाई, आगो को कुकुर आसी गला तो गाड़ी रही गला। अनेक चेष्टा परे मध्य गाड़ी स्टार्ट हे पारिलानी। आखो पाखरे घन अंधकार थिला, दूर दूर पर्यंत कला माटी देखा जाउथिला। राति भी हे गलानी आ थकी जाइछु, चलो एई जागा रे कैंपिंग करिबा। हां, आमो पाखरे सेकंड ऑप्शन भी तो नाही, गाड़ी बंद हे जाइछि, एबे एठी रहिबा ठीक हबो। गाड़ी रु जिनिस काढ़ी नियो। तीनी हे खोला आकाश तले टेंट बांधि नेले। किछि समय गड़िला परे अरे सामना को देख, अरे हाँ तो एति अंधार रे आलो केमिति, चलो देखि आसीबा, बोधे सेठी घर थिबो। तीनी जन से आलोक आड़कु बढ़िबाकु लागिले। शेषरे तांको सामनारे हॉस्पिटल टिए थिला। से तीन जन हॉस्पिटल भितरकु पसिगले। एति निछाटी आउ अंधार स्थान रे हॉस्पिटल? हाँ सांग, बाहरे एति अंधार आउ एठी आलो ही आलो। हॉस्पिटल रो चारिपटे देखु देखु तीन जन अलगा अलगा हे गले, आउ पुणी सबुठी पूरा अंधार हे गला। हठात सेते बेले गोटिए जोर रे चित्कार टी सुना गला। से तीन हे जोर रे दौड़ी जाऊ जाऊ निज भितरे बाड़े हे गले। मु सेठी किछि देखिली, अरे ए जागा किछि ठीक नाही, शीघ्र एठारु जीवाकु हबो। जेमिति सेमिति तीन जनंकु बाहरिबार रास्ता मिलि गला, किंतु सेमाने जेमिति बाहर को बाहरी थांते पछरु एक शब्द आसिला, कुआडे जाऊ छ, तुमको एठो बाहरिबा सहज लागुचे, जम मानु ह एठो केही बंची के जाइने। आजि 3 वर्ष बीति गला से घटना को, किंतु आजि भी कोनोसी मनीष से शहर को रातिरे जाए, तारो परिमाण सेया हुए। किंतु गोटिए पिला थिला जिए निज काम छाड़ी से सहर विषय रे इंटरनेट रे पढ़ुथिला। एही सहर विषय रे बहुत भयंकर सूचना इंटरनेट रे अछि। सोनू पारानॉर्मल एक्टिविटीज उपरे रिसर्च करुथिला, बहुत किछि जानिला परे सेठी के जीवारो प्लान करुथिला। अरे विक्रम,
चल से सहर को बुली आसीबा। ना भाई मते डर लगे आमती भी से जगह टी भयंकर मु जमा जीवनी। सोनू निज मन को दृढ़ कला आका ही जीवाई निश्चय कला। से निज सहित विभिन्न प्रकार जिनस धरीनेला से सहर। सोनू निज बेग्रु गोटे इलेक्ट्रोनिक मीटर बाहर कला आई आग को बढ़ला। जेमिति से भूतकोठी हो जाइथिबा हॉस्पिटल आड़क गला मीटर रे नाली लाइट सह बीप बीप्र शब्द बढ़ी चलला। उफ ए जगाटी तो सतरी बहुत विपदपूर्ण। सोनू तथापि आग को बढ़ला। सोनू हॉस्पिटल भितर पहुँचु पहुँचु से मीटर बहुत जोर शब्द है। यह देखि सोनू शीघ्र हॉस्पिटल रु बाहर को चेष्टा कला किंतु मीटर बहुत बेसी शब्द आउ नाली लाइट सह फाटिगला। सोनू जानी पारिथिला जे एई हॉस्पिटल टी साधारण नुहे आउ से हॉस्पिटल टी ता भावनारु बहुत बेसी विपदपूर्ण। ए जगत तो बहुत बेसी भयंकर। मते सत्यता जानिबा को हबो मते राती पर्यंत अपेक्षा करबा को हबो। सोनू साहस करी सेठी रही गला किंतु तापरे से कहा सहित तो फोन रे कथा हला। सर मु मोर पूरा करियर रे एमिति भयंकर जगह देखिनी। हाँ प्लीज मोर साहय करंतु। देखु देखु दिन बीतीगला आउ एबे राती हेगला। एबे सेठी परिवेश बदली जाइथिला। जो हॉस्पिटल दिन रे भूत कोठीथिला एबे ताहा राती रे आलुओ रे चमकुथिला आउ रोगी रे भरी जाइथिला। एबे मते जेमिति भी हो हॉस्पिटल भीतर को जीवा को हबो। सोनू धीरे धीरे हॉस्पिटल भीतर को गला। एठी तो बहुत हैंडिकैप रोगी अछंती आउ डॉक्टर मध्य बहुत रोगी डाक्टर आउ अन्य स्टाफ। हॉस्पिटल बहुत बड़ थिला। सोनू एसबू देखी देखी किछि जिनिसरे बाड़े ही पड़ी गला। हठात चारियाड़े अंधार आउ नीचाटिया हे गला। एठी किसी ठीक नहीं मते मते बाहर को हबो। से जेमिति बुलिला ता टॉर्च लाइट गोटे भयंकर पिशाची उपरे पड़िला। सोनू चित्कार कला आउ ता हाथर टॉर्च तले पड़िगला। आहुरी अंधार हो गला। पिकटाली आउ भयंकर शब्द सब आसिला। केही बचाओ मते बाहर कर एठारु। पिकटालिया शब्द सब भितरे कबाट खोलिवार शब्द आसिला आउ चारि पांचटा टॉर्च जळिवार दिसिला। सोनू जदि तू आमको सुनि पारुछु तो कह आमे आसीगुलु तते बंचिबाकु। हो सर मु एपटे अछि मते सहाय्य कर प्लीज हेल्प मी। जेउ पटरु सोनूर शब्द आसुथिला सबु लोके निज टॉर्च सेई आडकु करिदेले। टॉर्च आलुओरे पिसाची सोनूर गोड़ धरी टाणुथिला आउ सोनू तळे पड़ी जाइथिला। एही पिलाकु छाडी दे नहले ठीक हबनी। मते धमकी देउछु मूर्ख एबे तू भी मरिबु। पिसाची हातरु शक्ति काढ़ी प्रोफेसर को आक्रमण कला। प्रोफेसर पड़ी गला। सेतिकि बेले सेठिकि बाकी अन्य भूत पळै आसिले आउ सोनू को मारिबा पई आग को बढ़िबा को लागिले। शीघ्र से बेग को खोलो सेतिरे नाली कपड़ा रे जहां बंधा है छि ताकु काढ़ो नहले डेरी है जीवो। गोटिए टीम मेंबर से कपड़ारु चारिटी लेंबू काढ़िला। से लोकटी हाथरे लेंबू देखि सब भूत हठात अदृश्य हो गले। सोनू तले पड़ीथिला आउ सबु शांत हो जाइथिला। थैंक यू सर जदि आपन टाइम रे आसी न थांते। एबे पर्यंत काम सोरिनी सोनू विपद एबे भी अछि किंतु भूत तेठु पळैले पुणी केमिति विपद सर। एही सबु भूत एबे खाली एठु जाइछंती आम भूल पाई से माने मुक्त हो गले। एबे से माने आहुरी भयंकर हे पुणी आसीबे। ताले तांको सामना केमिति करिबा सर। बस एही लॉकेट को निजो गोळा रे पिंधिबु। प्रोफेसर सभिन को गोटिए गोटिए लॉकेट देले। तापरे से माने से हॉस्पिटल रो मेन हॉल रे दुईटी लेंबु आउ ता उपरे किछि मंत्रित जल छिंची रखी देले आउ शीघ्र दौड़ी जाई सेठी थिबा कोठरी रे लुचि गले। मते किछि ठीक लागुनी मु ताकु चेता शून्य देखि समस्ते डरी गले। एबे हमो पाखरे बहुत कम समय अछि बेकरु नाली पाउडर काढ़ी रख जेमिति मु संकेत देवी पाउडर को सामना को फिंगी देबू
ଏବେ ସମସ୍ତେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ମେମ୍ବରକୁ ହିଁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ। ତ ସୋନୁର ଆଖି ହଲରେ ଥିବା ଲେମ୍ବୁରେ ପଡ଼ିଲା। ସାର୍, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନାଲି ହୋଇଯାଇଛି। ସେମାନେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦେଖୁଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଧୂଆଁ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ଆସିଗଲା। ତାର ଭୟଙ୍କର ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଯେମିତି ସେମିତି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ସୋନୁ ପାଉଡର ଫିଙ୍ଗ ଯେମିତି ସୋନୁ ପାଉଡର ଫିଙ୍ଗିଲା ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଯିଏ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ସେଇ ଲୋକ ହିଁ ଆସିଲେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ଭାବିବା ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କଣ ହେଇଥିଲା ତୋ ସହିତ? ସବୁ ଭୂତ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିନ୍ ଥିଲି। ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିକଳାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଅଜାଣତରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା। ବିଚାରା ରୋଗୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟାଫ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ କିଛି ଜଳି ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କାହାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହବ। ସୋନୁ ବ୍ୟାଗରୁ ଚମତ୍କାରୀ ପାଉଡର କାଢି ସବୁ ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସେ ପିଶାଚୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ। ତତେ ମାରିବାର ଆଶା ପୂରଣ ହେଲା, ଏବେ ମୋ ଭାଇ ବିକିର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସବୁ ଭୂତ ସେଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସହିତ ପିଶାଚୀ ବି ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସହରରେ ଆଉ କାହାରି ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେ ଭୂତକୋଠି କାହାରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇମିତି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କାହାଣୀ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।